जय श्री राम दोस्तों, एक और नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी हम हैं धनपत मार्ग पे। तो गाइस वो हमारे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर पेंटिंग बनाया जा रहा है। जो हाई नेशनल हाईवे है उसकी दीवार में देखो पेंटिंग बनाया जा रहा है। और गाइस ये हमारे पीछे देख सकते हैं वो धनपत मार्ग है। तो गाइस वहाँ पर करते हैं आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ पर सूर्य भगवान की एक मूर्ति बन रही है, वो काफ़ी बड़ी मूर्ति है और सात घोड़े भी साथ में है। और गाइस वो धनपत मार्ग पे सूर्य स्तंभ लगे हैं बड़े बड़े, चलते उसको आप सबको दिखाते हैं। और यहाँ पर कैसे और यहाँ पर जो पत्थर लग रहे हैं, जहाँ पर जो राम मंदिर में पत्थर लग रहा है वो ये पत्थर यहाँ भी लग रहे हैं। तो गाइस फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं दीवार में पेंटिंग पूरा एकदम मस्त बनाया जा रहा है। और गाइस मैं आप सबको इधर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो जो पत्थर यहाँ पर रखा गया है, ये जो राम मंदिर में पत्थर लग रहा है वही पत्थर यहाँ पर लग रहा है। तो गाइस ये देखो ये सूर्य स्तंभ है, अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है। और गाइस वो सामने वाला जो सूर्य स्तंभ दिख रहा है ना, वो पूरा कम्प्लीट हो गया। भाई देख लो कितना प्यारा लग रहा है। और गाइस मैं आप सबको बता दूँ, यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। देखो जो राम मंदिर पत्थर लग रहे हैं ना, यही पत्थर हैं। तो गाइस फिर चलते हैं आप और एक दिखाते हैं। यहाँ पर देखो भाई काम करने वाले सब अपने जोर तौर में लगे हैं, क्योंकि 22 तारीख को उद्घाटन है ना, बहुत तगड़ी है भाई देख लो। और गाइस ये देख सकते हैं आप, भाई ये है सूर्य भगवान की प्रतिमा बन रही है और सात घोड़े भी हैं साथ में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े हैं। और यहाँ पर देखो भैया लोग बना रहे हैं, ये देखो। और सामने देख सकते हैं सूर्य स्तंभ, भाई कितना प्यारा प्यारा बना है। भैया आप यहाँ पर कितने दिन से काम कर रहे हैं? यहाँ से 2-2.5 महीना। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये कलर चालू हो गया। तो भाई देख रहे हो भैया लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, भाई देख रहे हो कितना प्यारा था। कलर हो जाएगा ना तो और देखने में अच्छा लगेगा। उधर उस साइड में भैया क्या चीज़ें लगा रहे हैं इसमें? ये क्या है? अच्छा ये किस चीज़ से बनता है भैया? फाइबर। गाइस हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ पेंटिंग भी हो रहा है। और गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं ये है सूर्यदेव की प्रतिमा। भाई यहाँ पर इस तरफ वाली पेंटिंग हो रही है। आप सब जी आप यहाँ पर इस चौराहे पे आएंगे ना, आप सबको ये प्रतिमा आपको दोनों तरफ से दिखाई देगी। और ये है धनपत मार्ग। और गाइस से सामने देख सकते हैं सूर्य स्तंभ, भाई कितना प्यारा सा लग रहा है, जैसे कितना गजब लग रहा है। और गाइस पर चल के आपको और अंदर दिखाएंगे कैसे क्या सीन है यहाँ पर। भाई ये चौराहा ऐसा कुछ है, कितना प्यारा सा बना है। और आप जब धनपत मार्ग पे आएंगे तो आपको वो जो सूर्यदेव की प्रतिमा है वो आप सबको दोनों तरफ से दिखेगी, दोनों तरफ से इसको बनाया गया है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो तो जो दीवार बनी है ना, इस दीवार में भी पेंटिंग हुआ, अभी पेंटिंग नहीं हुआ है, 22 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, बस पेंटिंग करना बाकी है। और गाइस इस साइड में देख सकते हो, ये देखो सूर्य स्तंभ, यहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं। और गाइस पर चलते आपको दिखाते हैं। और गाइस ये देख सकते हैं सूर्य स्तंभ कितना प्यारा सा लग रहा है। आप यहाँ पर देखो भैया लोग काम कर रहे हैं, भाई कितना गजब लग रहा है। ये देखो काम करने वाले यहाँ पर लगे हैं, कितना प्यारा सा है भाई ये देख सकते हैं। और गाइस आप सूर्यदेव पर प्रतिमा के अंदर जब आएंगे, धर्मपथ मार्ग पे आएंगे, तो गाइस यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा, यहाँ पर देखो स्टैचू बना है, पर कोई हमें पता नहीं है किसका है। जब पेंटिंग हो जाएगा तो पता लग जाएगा ये कौन है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइबर का धनुष है जो इस पर लगेगा। गाइस जो आप देख सकते हैं ये बना है लोहे का, इस पर लगेगा। अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, कम्प्लीट होने के बाद जब बन जाएगा ना तो अच्छा लगेगा देखने में। और गाइस वहाँ पर चलते हैं और आगे दिखाते हैं। और गाइस यहाँ से देखो भी भाई कितना खतरनाक लग रहा है यार, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं लाइट की बात करें तो पूरे मार्ग पे ऐसे लाइट लगाया गया है, भाई कितना प्यारा सा लग रहा है। और गाइस यहाँ पर देखो सफाई कर्मी भी लगे रहते हैं कि कोई यहाँ पर गंदगी ना हो पाए। और भाई आप पीछे देख सकते हैं भाई कितना खतरनाक लगा है भाई धनपत मार्ग पर भाई। और गाइस यहाँ पर देखो धनपत मार्ग के बगल में जो फुटपाथ है वहाँ पर देखो कितने अच्छे से डिजाइनिंग से इसको बनाया जा रहा है। भाई सीमेंट वाली ईंटें लग रहे हैं, भाई यहाँ पर देखो कितने गजब तरीके से बनाया जा रहा है। और गाइस यहाँ पर देखो एक यहाँ पर स्टैचू बना है, भाई किसका है ये तो हमें नहीं पता। वहाँ पर देखो राम है, शायद राम है। और यहाँ पर देखो राक्षस को मार रहे हैं तीर से, कितना खतरनाक लग रहा है। और गाइस और आगे भी चलते आपको दिखाते हैं। पूरे रोड पर ऐसे काम चल रहा है, क्योंकि 22 तारीख को उद्घाटन होना है ना, इसलिए पूरा बहुत जोर जोर से काम चल रहा है। और गाइस आप धर्मपद मार्ग से जब अंदर आएंगे तो गाइस यहाँ पर आपको एक प्रतिमा और देखने को मिल जाएगी, रामायण कहानी से जुड़ी चित्र यहाँ पर देखो अभी भैया लोग बना रहे हैं। मैं आप सबको थोड़ा पास चल के दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितनी मस्त इसको बनाया गया। मैं आप सबको तो पत्थर दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये छोटे छोटे पत्थर इसमें लग रहे हैं, ये देखो इसमें एक एक पत्थर पूरे इस चित्र में लगाया गया है। भाई देखो पूरे ऐसे कितना मस्त बनाया गया है इसको, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा बाकी नहीं तो कम्प्लीट हो जाएगा, तो देखने बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे जितने भी खंभे यहाँ पर देखो आप सबको देखने को मिला है, ऐसे सारे खंभे भी आप सबको ऐसे हमारे रामायण कालीन के कुछ ऐसे चित्र आप सबको देखने के मिल जाएंगे। देख लो भाई चारों तरफ पूरे रोड पे ऐसे खंभे बने हैं और ऐसे कुछ हमारे रामायण कालीन के ऐसे दृश्य आप सबको देखने को मिलेगा। और गाइस चलते हैं आपको और आगे दिखाते हैं भाई।
और गाइस मैं आप सबको एक और चित्र दिखाता हूँ। गाइस ये हमारे सामने जो चित्र देख रहे हैं अभी ये पेंटिंग नहीं हुआ। गाइस मैं आप सबको बता दूँ जो यहाँ पर जितने भी ये चित्र बन रहे हैं गाइस सब 3D पेंटिंग बनाए जा रहे हैं। भाई बनने के बाद ना कितना प्यारा सा लगता है भाई, देख लो अभी कलर नहीं हुआ, कलर होने के बाद देखना भाई कितना गजब का लगेगा। और गाइस ऐसे सारे खंभे में ऐसे चित्र बनाए जाएंगे और सारे में 3D पेंटिंग होंगे भाई। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा, हमारे रामायण कालीन से ऐसे जुड़ी कुछ फ़ोटो यहाँ पर देखो बनाई गई है। राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, फ़ोटो बनाया गया है, कितने मस्त तरीके से इसको बनाया गया देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और डिश ऐसे देखने को मिल जाएगा जो रामायण कालीन से जुड़ी कुछ फ़ोटो यहाँ पर एक बनाई गई है, कितने प्यारा सा है, इसको कलर कर दिए हैं और काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। और गाइस ऐसा देख रहा हूँ भाई। और गाइस मैं आप सबको बता, जो चारों तरफ ऐसे रोड के बगल खंभे दिख रहे हैं यहाँ पर सारे खंभे में हमारे रामायण कालीन से कुछ जुड़ी पोस्ट फोटो यहाँ पर बनाई जाएंगी और देखने जब बन जाएंगी तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं भाई कितना प्यारा सा लग रहा है। और गाइस आप सबको एक और ऐसे फ़ोटो देखने को मिलेगा हमारे रामायण कालीन से जुड़ी कुछ फ़ोटो। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया और कितने अच्छे तरीके से इसको पेंटिंग किया गया भाई, देखने में कितना प्यारा सा लग रहा है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं राम और हमारे सीता माता जो वहाँ पर लेटे हैं और लक्ष्मण वहाँ पर देखो बैठे हैं और ऐसा कुछ है। और गाइस ये हमारे सामने देख सकते हैं भाई कितना प्यारा सा लग रहा है ये। और भाई यहाँ पर देखो रात में भी काम लग रहा है, वहाँ पर देखो भाई रात में कुछ लोग भी काम कर रहे हैं वहाँ पर देख सकते हैं सामने, क्योंकि इसको 22 रात का व्यू है, कितना ख़तरनाक लग रहा है। एक और ऐसे आप सबको चित्र देखने को मिल जाएगा हमारे रामायण कालीन से जुड़ी, यहाँ पर देखो अभी पेंटिंग हो रहा है, पेंटिंग होने के बाद कितना गजब का लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो भाई देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा लग रहा है। और ये हमारे सामने देख सकते हैं आप सूर्य स्तंभ भाई कितना प्यारा सा लग रहा है, देख रहे हो भाई लाइटिंग जो की गई है ना कितना शानदार किया गया है। और रोड देख रहे हो भाई कितना क्लीन इसको बना दिया गया है 22 तारीख तक इसको उद्घाटन से पहले, भाई देख रहे हो अभी भी काम चल रहा है, चारों तरफ काम चल रहा है, देखो भाई इसको सामने।